और जिला प्रभारियों के साथ बैठे हैं, और एक मैं तो क्योंकि पहले भी इनके साथ काम किया है, और आज इन्होंने देश भर में अनेक दायित्वों का निर्वहन संगठन के अंदर के नाते से इन्होंने किया, और सरकार का भी अनुभव मंत्री के नाते इनका रहा। जितना वास्ट विज़न माननीय धनखड़ जी का है, बहुत मैं समझता हूँ सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में है, और उनके बातचीत का लाभ हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। कल भी हम बैठे थे, आज भी बैठे थे, एक अलग ही सोच और अलग ही दिशा के साथ आज ये बैठी हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि बड़ी खुलकर चर्चा हुई है, हर विषय पर चर्चा हुई। संगठन में क्या बदलाव होगा? संगठन में बदलाव तो दायित्व परिवर्तन ही होता है, जैसे आज किसके पास कोई दायित्व है, कल को उसके पास कोई और दायित्व होगा, यही परिवर्तन होता है। पदाधिकारियों की नियुक्ति कब तक? वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सबसे चर्चा करके वो समय वही तय करेंगे, और वही बता सकते हैं कि वो कब तक उन्होंने ये लक्ष्य लिया है, लेकिन जल्दी ये हो जाएगा कि सब। लेकिन एक बात ज़रूर कहें कि संगठन सर्वस्पर्शी होगा, सबको छूने वाला होगा, सबकी बात सही प्लेटफॉर्म पर हमारे रखने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और सब कार्यकर्ताओं के साथ दिल से जुड़ते हैं, ये उनकी खूबी है। बड़ौदा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है, जिस तरह से बार-बार मीटिंग है? अभी तक तो यहाँ पर कोई इस बैठक के अंदर चर्चा नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा निश्चित ही कार्यकर्ता प्रत्येक कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लग चुकी है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम के लिए लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ निश्चित ही बड़ौदा के लोगों ने भी मन बना लिया है, इस बार वो विकास के साथ जाएंगे और सरकार में अपना हक लेकर रहेंगे, बड़ौदा का हक लेकर। COVID-19 चल रहा है जिस तरह से, उसको लेकर किसी भी पदाधिकारी ने मास्क नहीं लगा रखा था अंदर? नहीं, अंदर सबका ही मास्क लगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठे थे। आप जब आए अंदर तो आपने देखा सब लगभग एक एक दो दो गज की दूरी पर सभी बैठे थे, और कुर्सियाँ भी अभी भी आप देख सकते हैं अपनी वीडियो में, और आपने दिखा भी दिया होगा, अब तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क किसी के पास नहीं है। बैठे जी, ये COVID-19 चल रहा है, और जब शुरू हुआ तब सरकार ने कहा था कि कोई सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, किसी को भी मतलब नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। तब PTI टीचरों को हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का ले गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहने भी तुरंत हटाने चाहिए। नहीं, ये सरकार का सुझाव था ये, और सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कभी सरकार नहीं करती, और वो COVID-19 का विषय नहीं था, वो कई वर्षों का विषय था, और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट किया था। सरकार ने कहा था COVID-19 में किसी को बेरोजगार नहीं किया। वो सरकार सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित कर सकती है, आप मेरे पत्रकार बंधु हैं, नहीं उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सवाल भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के दायरे में। राफेल को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से राफेल अभी आया है? राफेल से आप देखिए किस तरह से मनोबल हमारी सेना का तो पहले ही बहुत हाइट पर था, और उसके आने के बाद मनोबल हमारा तो बड़ा ही बड़ा, और जो हमारे विरोधी ताकतें हैं, जो विरोधी देश हैं, उनका मनोबल गिरा है, इससे ये उदाहरण होता है। लेकिन कई बार दुख भी होता है कि हमारे देश का विपक्ष, पता नहीं उनका मनोबल क्यों गिर जाता है, मुझे नहीं समझता। जब देश का मनोबल ऊंचा होता है, हमारी सेना का मनोबल ऊंचा होता है, तो देश का जो विपक्षी दल है उसका मनोबल क्यों डाउन होता है, मुझे ये कनेक्टिविटी आज तक समझ नहीं आई। भाटिया जी, एक नेशन एक कार्ड की योजना है केंद्र सरकार, तो उसके अंदर हरियाणा पहले से ही लागू है और कई राज्यों में लागू होना है। इसके अंदर एक सबसे बड़ी खामी है कि अगर किसी कोई कैथल का बंदा रोहतक रहता है, रोहतक का कैथल रहता है, अगर कैथल में गेहूँ मिलते हैं, यहाँ आटा मिलता है, तो उसको वो उसका लाभ नहीं मिलेगा पोर्टेबिलिटी? नहीं, ऐसा मिलेगा नहीं है इसके अंदर? कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं एक बार अच्छे से देख लेता हूँ, मैं तभी आपकी जानकारी में बोल पाऊँगा। अगर आप ऐसा ध्यान दिला रहे हैं तो मैं इसकी चिंता कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।